बिग बॉस 18 जल्द ही प्रीमियर के लिए है तैयार। वहीं दूसरी तरफ फैंस को इस बात का बेसब्री से इंतजार है कि आखिर कौन कौन से वो सितारे हैं जो इस सीजन में यानी बिग बॉस 18 में नजर आएंगे। वल इसी बीच शो के मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बिग बॉस 18 का पहला प्रोमो जारी कर दिया है। कैप्शन में लिखते हुए, होगी एंटरटेनमेंट की पूरी विश जब टाइम का तांडव लेकर आएगा बिग बॉस में एक नया ट्विस्ट। क्या आप सीजन 18 के लिए तैयार हैं? वल प्रोमो में बिग बॉस 18 के प्रीमियर की तारीख का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिग बॉस 18 शो 5 अक्टूबर 2024 से ऑन एयर हो सकता है। सीरियल अनुपमा के फैंस के लिए एक बड़ी खबर है और वो ये कि टीवी स्टार सुधांशु पांडे के वनराज शाह के रूप में शो छोड़ने के बाद अब शाह परिवार का एक और सदस्य शो को अलविदा कहने जा रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि टीवी स्टार मदलसा शर्मा है, जिन्होंने काव्या के किरदार से सभी का दिल जीता। वहीं अब मदलसा शर्मा अपने ऑन स्क्रीन परिवार को अलविदा कहने वाली है। जूम से बात करते हुए मदलसा ने इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा, हाँ ये सच है, मैं अनुपमा छोड़ रही हूँ। वहीं जूम के सोर्सेस की माने तो ये फैसला शो के मेकर्स और मदलसा के बीच आपसी सहमति से हुआ है। वल सूत्रों की माने तो मदलसा को लगने लगा है कि वनराज के ना रहने के बाद उनके किरदार की यात्रा स्वाभाविक रूप से पूरी हो गई थी। सुधांशु के वनराज के रूप में शो छोड़ने के बाद से ही मदलसा के किरदार को लेकर रूमर्स तेज हो गए थे। कई रिपोर्ट्स में पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि मदलसा शो छोड़ सकती हैं, लेकिन वो इन रूमर्स का खंडन करती हैं। सीरियल वंशज के ऑफर होने पर शो में डीजे का किरदार निभाने वाले टीवी स्टार माहिर पांडी ने किया रिएक्ट और बताया, जिस तरह से शो ऑफर हो रहा है दुख तो बहुत हो रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे कहीं से अंत होता है तो एक नई शुरुआत होती है। इसी के साथ ही माहिर पांडी ने अपने डीजे के किरदार के बारे में बात करते हुए बताया कि इस किरदार को करते वक्त इस तरह से उन्होंने की मेहनत। हमारा जो अटेम्प्ट था, दिग्विजय की जो अप्रोच थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। वॉइस चेंज हो गई थी, ही वॉज जस्ट वेयरिंग ब्लैक, थोड़ा छोटे छोटे हमने माइनर चेंजेस करे थे, मतलब आंखों पे काली पेंसिल लगा ली थी, बियर्ड बहुत डार्क करी थी और हमने बाल थोड़े छोटे कर लिए थे, बहुत रफ और रगेड लुक दे दिया था और आवाज़ में बेस बढ़ा दिया था उस टाइम पे, एंड ज़्यादा डायलॉग्स नहीं बोलता था वो, तो वो अप्रोच जो थी वो उन्होंने पसंद करी। एंड यू नो व्हेन यू ट्राई समथिंग और आप इतना कुछ उसमें एफर्ट डालते हो जो आई डोंट थिंक टीवी में होता है, वेरी ऑनेस्टली। लोग टीवी में आते हैं कि हाँ चलो पर डे कमाओ निकल जाओ, बट दिस हैज़ बीन अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एंड आई से दिस बिकॉज आई हैव डन टीवी शोज, आई हैव डन वेब शोज, आई हैव डन इंटरनेशनल फिल्म्स, एंड एक जो वंशज के सेट पे मुझे एक क्रिएटिव सपोर्ट और एक इन्वायरमेंट मिला है ना एज एन आर्टिस्ट, आई थिंक आई एम गोना मिस इट। ये नहीं मिलेगा। मैं भी नाराज़ हूँ, मैं भी फैंस के साथ ही हूँ। फॉर मी मेरा ये मानना है कि हर स्टेप पे ना आपको लगता है कि कुछ नया करें और उसी मोमेंट आपको लगता है और कुछ भी है। सो आई गेस इट वॉज जस्ट दैट मोमेंट वेयर वी वर एक्सप्लोरिंग, वी वर ग्रोइंग और एक एक्सपेक्टेशन थी कि इसको और ऊपर लेके जाएंगे, वंशज एज अ शो को ग्रो करेंगे एंड एवरीथिंग, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, एवरीथिंग हैज़ टू कम टू एन एंड फॉर समथिंग न्यू टू स्टार्ट एंड सो बी इट।